अस्सलाम वालेकुम। आज स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम किया गया है। ये अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के लिए माना जाता है एज पर मेडिकल एल्मेनैक कैलेंडर। स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर अब एक फुल फ्लेज एक क्लिनिक में तब्दील हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते हैं, डेली देखते हैं यहाँ पर। कहाँ पर और इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर? स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक नलगुंडा क्रॉस रोड मेन रोड पे है, फ्लाईओवर ब्रिज के बाजुक। ये मून फंक्शन हॉल इसका लैंडमार्क है और ये काफ़ी एक्सेसिबल पॉइंट है, मेन रोड पर है। ये सेंटर 5 फ्लोर बिल्डिंग है। फिलवक्त हम लोग लैब और एक फैमिली क्लिनिक चला रहे हैं। आपको मैं बोलना चाहूँगा, द वेरी रीज़न ये इस्टेब्लिश करने का था कि कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं। ये लॉकडाउन, ये सिनेरियो, ये कोविड, ये बहुत सारे बीमारियों के वजह से लोग काफ़ी हद तक बहुत परेशान हैं। इस टाइम हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि लोगों की खिदमत करें। बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल, मेरा 20-22 साल का तजुर्बा है ये फील्ड में। मैं चाह रहा हूँ कि कौम की अच्छी से खिदमत करें। स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर और स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक में बहुत ही कम फीस पर, कम रेट्स पर हम खिदमत कर रहे हैं। हम लोगों का इलाज करते हैं, लोगों के डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। हमारी खुसूसी स्पेशलिटी है, स्कैनिंग है, कार्डियोलॉजी टेस्ट है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो आपको बाहर इस ऐसे दामों पे नहीं मिलेंगे। मेरी खास वन ऑफ द स्पेशल फीचर है, लेडी डॉक्टर्स, लेडी रेडियोलॉजिस्ट और लेडी स्टाफ हैं। ख्वातीन के लिए बहुत अच्छा है, एक जस्ट एक लाइक होमली सर्विसेज है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह साल बा साल अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हर लोग को इसका फ़ायदा हो। हम चाह रहे हैं कि सबके साथ हम हैं और इंशाल्लाह हम बराबर करेंगे जो बोले हैं कि पब्लिक की खिदमत करेंगे, उनका अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूँ, स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर का एक स्पेशल फीचर है फ्री होम सैंपल कलेक्शन। हम घर आकर लोगों का सैंपल लेते हैं। आप मेरे को कहीं से भी कॉल करिए, हम घर आते हैं आपके लोकेशन पे और सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं। आपको घर पर भी उतना ही डिस्काउंट मिलेगा जो यहाँ पर लैब और हॉस्पिटल में मिल रहा है। ये फैसिलिटी सबके लिए है। कितने साल से आप कर रहे हैं? ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए, 2.5 साल हो गए हैं ये फील्ड में। मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, मगर ये एक सेंटर चला के ऑलमोस्ट लाइक 2 साल 2.5 साल के करीब हो चुका है। मेरा नंबर है 9581813167। हर टाइप की स्कैनिंग फैसिलिटी स्पेक्ट्रम में अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल कम रेट्स पे। लेडी रेडियोलॉजिस्ट, मेल रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अवेलेबल है। आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, इमीडिएटली आपको सर्विस मिलेगी, अच्छी से अच्छी सर्विस मिलेगी यहाँ पर। आपका कॉन्टैक्ट? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखिए 9581813167। आपको और एक बात बताता चलूँ, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है, मैं ये समझता हूँ एक हॉस्पिटल एक लैब चलाना ही मेरा काम नहीं है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए डॉक्टर उदय चौहान सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बोले हैं, लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे हैं कि लोगों के दिमाग में जो एक रहता है, एक स्टिग्मा बन के रहता है, एक क्वेश्चन बन के रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से करे हैं। इसी टाइप के प्रोग्राम्स अवेयरनेस में हर स्पेशलिटी के लिए, ऑर्थोपेडिक, गायनिक, पीडियाट्रिक, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, स्पेशलाइज ऑन्कोलॉजी, हर चीज़ के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह स्पेक्ट्रम करेंगे, ताकि हर किसी को इस चीज़ का अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो और प्रॉपर ट्रेनिंग हो। ये स्पेक्ट्रम की जिम्मेदारी है। हेलो, आई एम डॉक्टर उदय चौहान, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज दिस इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। हर साल अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर एक वन ऑफ द कॉमन कैंसर है ऑल ओवर वर्ल्ड,
में तकरीबन 18 मिलियन ऑफ कैंसर केसेस डिटेक्ट होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से 2 मिलियन कैंसर्स तो ब्रेस्ट कैंसर ही होते हैं. दिस इज़ वर्ल्ड वाइड डेटा. अगर वही हमारे कंट्री में आते हैं तो हर साल तकरीबन 1,62,000 केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होते हैं और उसमें से तकरीबन 80,000 लोग एक्सपायर हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से. हमें ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है. और वेस्टर्न कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूएस, यूके, उससे कंपेयर करें तो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कंपेरेटिवली कम ही है. लेकिन डेथ्स जो है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो होते हैं वो ज़्यादा है. इसका मेन कारण ये है कि हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है, मतलब जो केसेस डायग्नोज होते हैं वो लेट स्टेजेस में डायग्नोज होते हैं. हमें यूएस या यूके में रहने दीजिए, स्टेज वन में तकरीबन 60-70% लोग डायग्नोज होते हैं. वही हमारे देश में 60% लोग स्टेज थ्री में कैंसर डायग्नोज होते हैं. जब कैंसर डायग्नोज होता है लेटर स्टेजेस में तो उसका आउटकम तो पूर तो होता ही है, ट्रीटमेंट भी ज़्यादा देना पड़ता है, ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा बेयर करना पड़ता है पेशेंट्स को और ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा. तो इसीलिए हमको ब्रेस्ट कैंसर के कुछ अर्ली सिम्टम्स जो है, साइंस है, उसको हमको समझना चाहिए, हमारे फैमिली में डिस्कस करना चाहिए, सब लोगों को पता रहना चाहिए ताकि वो ऐसे उसके कुछ सिम्टम साइंस जब पता चलते हैं वो बाहर आके एक्सप्रेस कर सके और अपने आप को एवेलुएट कर सके, सो दैट हम कैंसर को एज अर्ली पॉसिबल स्टेज वन या एटलीस्ट स्टेज टू में डायग्नोस कर सकेंगे तो हम उसको अच्छा ट्रीटमेंट कर सकेंगे. और अभी मैं नेक्स्ट उसको आने वाला हूँ, तो डायग्नोस कर सकेंगे और अच्छा ट्रीटमेंट कर सकेंगे. तो क्या है ऐसे सिम्टम्स जो ब्रेस्ट कैंसर का, मैं सिम्टम्स कहूँगा. जनरली एक ब्रेस्ट कैंसर अपने देश में 40-50 साल के लेडीज़ में पाया जाता है कॉमनली, वही वेस्टर्न कंट्रीज़ में 60-70 सालों में. इसमें डिफरेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है इस एज ग्रुप में. जब कैंसर एल्डरली एज ग्रुप में डायग्नोज होता है तो लेस एग्रेसिव होता है, उतना खूंखार नहीं होता है कैंसर. वही कैंसर जब यंगर एज ग्रुप में डायग्नोज होता है तो बहुत ही खूंखार, बहुत एग्रेसिव होता है और उसका आउटकम भी बहुत बैड रहता है. और अपने देश में जनरली ये एज ग्रुप में ही डायग्नोज होते हैं. तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं पहले आपको बोल समझाऊंगा कि कैंसर कैसे प्रिवेंट करते हैं, उसके बाद में कैसे डायग्नोज करते हैं. प्रिवेंट करने के लिए थोड़े जो फैक्टर्स जो है जो अपने हाथ में है, थोड़े फैक्टर्स जो अपने हाथ में नहीं है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल है. तो प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं लाइक ओवरवेट, वेट ज़्यादा, मोटापा ज़्यादा होने की वजह से उन लेडीज़ का वेट ज़्यादा होता है, उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर आने का रिस्क ज़्यादा होता है. मोस्टली 50+ ईयर्स के बाद में जब वेट बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन फैट में प्रोड्यूस ज़्यादा होता है. तो ओवरवेट आफ्टर मेनोपॉज, मतलब जब मेंसेस रुक जाते हैं, उन लेडीज़ में ओवरवेट जब होता है उनको ज़्यादा रिस्क चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर आने का. तो ये अपने हाथ कंट्रोल में है, उनको वेट कंट्रोल करना चाहिए. और फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब एज पर द गाइडलाइंस स्टडीज़ के अनुसार एटलीस्ट 150 मिनट्स से ज़्यादा, एटलीस्ट दो घंटे हफ्ते में, दो घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए टू कंट्रोल द वेट. और ये एज पर द स्टडीज प्रूव हुआ है कि जब फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम इतना होता है तो ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. और थोड़े जो कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स, जनरली प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो पिल्स लेते हैं वो भी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का. तो वो जहाँ तक हो सके वो पिल्स अवॉइड करना बहुत बेहतर है.
वो एक कारण है, और पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये भी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। जनरली जब मेनोपॉज रीच होता है, जब पीरियड्स रुक जाते हैं लेडीज में, तो उनमें कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो सिम्टम्स मैनेज करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं लेडीज में। एट द सेम टाइम वो बोन रिजॉर्प्शन भी कम करता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। तो ये भी एक फैक्टर है जो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना हर पेशेंट कि मुझे ये हार्मोन से ज़्यादा बेनिफिट है या रिस्क ज़्यादा है, ये वो बैलेंस करके लेना पड़ेगा। और एक कारण अल्कोहल तक पूरे मतलब स्टडीज़ के अनुसार जो अल्कोहल लेते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। एक ड्रिंक लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 10% ज़्यादा बढ़ जाता है डेली एक ड्रिंक लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अपने इंडियन में तो वी कांट से, बट वेस्टर्न कंट्रीज में जो अल्कोहल इनटेक जिनमें ज़्यादा रहता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ते रहता है। तो अल्कोहल भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। सो ये थोड़े रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के जो अपने कंट्रोल में है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये अगर हम ये मॉडिफाई करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होने के चांसेस है जो अपने कंट्रोल में है। और दूसरे नॉन मॉडिफाइबल कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इससे पाया गया है कि ये रिस्क फैक्टर रहने से उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर आने का रिस्क ज़्यादा है। लाइक कुछ लोग मेंसेस अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं या मेंसेस बहुत लेटर स्टेज में रुक जाते हैं, उन लोग को हार्मोनल एक्सपोजर पीरियड ज़्यादा होता है, मेनली ईस्ट्रोजन, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है जो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसे रहने वालों में थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। फैमिलीज में लाइक मदर में ब्रेस्ट कैंसर हुआ सो है या सिस्टर में ब्रेस्ट कैंसर हुआ सो है, उन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस है। ये फैमिलियल रिस्क बोलते हैं। ये एक 15% ऑफ द कैंसर केसेस को एकम्पनाई करता है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या इधर मदर या सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर आता है तो उनमें कैंसर आने का रिस्क डबल हो जाता है। अगर दोनों को आता है, मदर और सिस्टर दोनों को, अगर फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को अगर कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो वो पर्सन को आने का कैंसर का चांसेस ट्रिपल हो जाता है। सो फैमिलियल रिस्क फैक्टर भी रहता है। और कुछ लोगों में कुछ जीन इनहेरिटेंस रहता है, लाइक BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस कुछ जीन्स रहते हैं ब्लड में। कुछ लोगों में जब एवेल्युएशन के वक्त पता चलता है तो उनमें ये इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स रहने से भी उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो